हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कियारास चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैंने एक करवा चौथ मेकअप लुक शेयर किया है, तो चलिए आगे देखते हैं हमने इसे कैसे क्रिएट किया है। इसलिए हम पहले अपने आई मेकअप से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने आईज पे लगा लिया है कंसीलर है, जिससे कि हम जो भी यहाँ पे कलर अप्लाई करें वो अच्छी तरह से पॉपअप होकर आए और हमारा आई मेकअप भी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बने, इसलिए हमने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लूज़ पाउडर। आप कोई सा भी ब्रांड का लूज़ पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी क्रीज है, जो भी हार्श लाइन है क्रीज की, वो ना आ पाए हमारे आई मेकअप पे। इसलिए मैं यहाँ पे आईज़ के ऊपर पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, लूज पाउडर, ट्रांसलूजेंट पाउडर। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट। ये ओरिजिनल आई शेडो पैलेट नहीं है, ये ड्यूप है ब्यूटी ग्लेस का, और ये आपको इजीली 300-350 में मिल जाएगा। जैसा अभी मतलब अलग अलग ऑनलाइन स्टोर पे अलग अलग इसके प्राइजेस हैं, तो ये आपको अलग अलग रेट्स में मिल जाएगा। तो अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है ये और इसके कलर्स भी अच्छे हैं। एक पैलेट में आप बहुत सारे से लुक्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ अपने ट्रांजिशन शेड के लिए, और अभी मुझे सर्दी हो गई है तो इसलिए मेरी आईज़ जो है वो आपको थोड़ी सी इस तरह से लग रही होंगी। और यह मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इस आई मेकअप का मुझे फ़िलहाल में अभी कोई आइडिया नहीं है कि कैसा आने वाला है, कैसा लगने वाला है मेरी आईज़ के ऊपर। बस मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर, क्योंकि प्राइमर में लगाना हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा याद रखने की कोशिश की कि नहीं भाई, मुझे प्राइमर लगाना ही लगाना है। तो प्राइमर लगा रहे हैं, प्राइमर इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारे पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएँ, साथ साथ हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। इस वजह से हम यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ BSS Beauty का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है, और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपना मेकअप ग्लोई बनाना है ना। करवा चौथ का मेकअप है एंड नाइट में होने वाला ये वाला मेकअप, इसलिए इसको मुझे ग्लोई बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटर। अगर आपको ग्लोई मेकअप चाहिए तो आप इसको यूज़ कीजिए, अगर आपको ग्लोई मेकअप नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और सिंपली इसको हमें डॉट डॉट करके ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस जगह भी लगेगा उसी जगह पे लग जाएगा। तो इसको इस तरह से अप्लाई करने के बाद हमको अपने हाथों से पहले तो इसको स्प्रेड करना होगा। वैसे हमें इसको पहले तो स्प्रेड कर लेना अपने हाथों से, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और अच्छी तरह से फेस्टिव मेकअप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से लेयर्स हो रही हैं हमारे फेस के ऊपर में, इसलिए हम यहाँ पे फाउंडेशन थोड़ा कम ही अप्लाई करेंगे। और आईज़ के नीचे क्योंकि हमें यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करना है, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करेंगे, और इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट
हम अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर एंड मेरे बालों को बिल्कुल भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बस मैं ऐसे ही हेयर मैंने वॉश करे थे और उसके बाद में बस मैं ऐसे ही मेकअप शूट करने बैठ गई। लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डार्क कलर के कंसीलर की मुझे नीड नहीं है, मुझे उतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स नहीं है, इस वजह से मैं लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। मैं एक ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ इसको क्योंकि मुझे ये वाले ब्रश से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये चीज़। यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर को आपको इस तरह से डैब डैब कर करके ही ब्रश के हेल्प से अप्लाई करना है और ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग करने पे उतना अच्छे से नहीं लग पाता है जो भी लूज़ पाउडर होता है, इस तरह से लगाना है ताकि स्किन में अच्छी तरह से लग जाए, मतलब जहाँ पे हमें नीड है वहाँ पे। फिर यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे मैंने जो पहले सी ग्रीन कलर लिया था उसी को लोअर लैश लाइन पे भी स्मॉल ब्रश की हेल्प से लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करूँगी, काजल से कुछ अलग ही लुक लगता है, मतलब आईज़ अच्छी लगती हैं, तो काजल अप्लाई कर लिया मैंने, उसको थोड़ा सा स्मच किया है। और इस वीडियो में मेरी काफ़ी सारी क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गई हैं। मस्कारा अप्लाई कर लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ब्लश हैवी कलर की यूज़ नहीं कर रही हूँ, लाइट कलर की यूज़। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ और ब्रॉन्ज़र को मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर बस इसके बाद मैं अपना हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मेरा मेकअप कंप्लीट। और फिर मैंने मरून कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी जिसकी क्लिप मिस हो गई है, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन को ज़रूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।